नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टॉपर स्टेंट एजुकेशन में आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करते हैं जो लगभग सभी बच्चे जब आप इंडियन फिलासफी पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग कमेंट भी करते हैं इस टॉपिक के ऊपर तो मुझे लगता है कि अपन इस पर थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं टॉपिक या आपका डाउट इस तरीके का है कि सर जैसे सांख्य दर्शन है सांख्य दर्शन एक तरफ कहता है कि मैं वेदों को मानता हूँ चलिए ठीक है लेकिन एक तरफ वो कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता लेकिन वेदों के अंदर तो ईश्वर वर्णित है वेदों के अंदर तो ईश्वर की व्याख्या की गई है वेदों में ईश्वर के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो फिर ये सांख्य दर्शन क्या कह रहा है ये एक तरफ तो कहता है कि मैं वेदों का फॉलोअर हूँ मैं वेदों को मानता हूँ और मैं आस्तिक हूँ मतलब मैं वेदों की सत्ता को मानता हूँ वेदों के एग्जिस्टेंस को मानता हूँ वेदों में जो लिखा हुआ है वो प्रूवन है सेल्फ प्रूवन है तो फिर ये ऐसा क्यों कहता है कि मैं गॉड को नहीं मानता अपने आप में एक बड़ा अच्छा डाउट है बड़ा ही एक ऐसा डाउट है जब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है आपके सामने आता हो इसमें कोई दो राय नहीं है समझने की कोशिश कीजिएगा इस डाउट को। नास्तिक और आस्तिक जो शब्द हैं अपन वहीं से शुरू करते हैं मैंने पहले भी ऐसे वीडियोस बनाए हैं नास्तिक और आस्तिक पर आप देख सकते हैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है कि नास्तिक कौन है आस्तिक कौन है नास्तिक और आस्तिक मैं अगर एक लाइन में आपको समझाऊं आस्तिक और नास्तिक जो शब्द है ये न्यूट्रल शब्द है इनका अकेले कोई महत्व नहीं है अकेले कोई वैल्यू नहीं है अगर आप इन्हें इंडिविजुअल पढ़ते हैं तो इनका अर्थ इतना है कि नास्तिक का मतलब है विश्वास ना करना आस्तिक का मतलब है विश्वास करना किस पर तो आप उसमें जो भी सब्जेक्ट जोड़ देंगे मान लीजिए आपका आपके एग्जाम के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नास्तिक आपका एग्जाम पर विश्वास है तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आस्थिक है, इसमें कोई नहीं है में वो वेदों के से यूज किया जाता है कि जो वेदों के एग्जिस्टेंस को मानेंगे वो सभी लोग आस्तिक होंगे सभी सभी लोग जो वेदों के एग्जिस्टेंस को मानेंगे तो हमने कहा सांख्य और योग है न्याय वैशेषिक है वेदांत है ये सभी लोग वेदों को मानते हैं तो ये सभी लोग आस्तिक कहलाएंगे इधर दूसरी तरफ मैं देखता हूं तो चार मार्क है जैन है बुद्ध है ये लोग वेदों के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा कर रखते हैं तो ये सारे लोग नास्तिक कहलाए नास्ती च वेद वेदों पर विश्वास नहीं था इन लोगों को सिंपल यहां तक कोई डाउट नहीं है ईश्वर के ऊपर विश्वास करना या ना करना वहां पर हमने शब्द का यूज किया है ईश्वरवाद और अनिश्वरवाद ईश्वरवाद जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस को मानता है और प्रूफ करता है अनिश्वरवाद जो ईश्वर जैसे किस सब्जेक्ट को मानता ही नहीं है और ना ही उसे प्रूफ करने की जरूरत है वो उसको बिल्कुल ही दरकिनार कर देता है और दरकिनार करने के बाद उसके पास लॉजिक्स हैं कि मैं क्यों ईश्वर को नहीं मानता सांख्य दर्शन एक ऐसी फिलॉसफी है सांख्य दर्शन एक ऐसी थ्योरी है जिसको आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली इंटेलेक्चुअल है बौद्धिक है ये। ये वेदों के अंदर जब हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों के अंदर जो थ्योरीज है वेदों के अंदर ऐसा नहीं है कि वेद जैसा अगर मैं नास्तिकों का दृष्टिकोण कहूं कि वेदों के अंदर कल्पनाएं हैं इमेजिनेशन है हाइपोथेटिकल बातें हैं वहां पर ऐसा नहीं है लेकिन सांख्य दर्शन की अगर स्पेशली मैं बात करता हूं सांख्य दर्शन वेदों की उस नॉलेज या उस कंसेप्ट या उस टॉपिक की बात करता है जो आपके और मेरे डेली लाइफ के अंदर काम का है सांख्य दर्शन को मतलब नहीं है हाइपोथेटिकल होने से सांख्य दर्शन को मतलब नहीं है काल्पनिक होने से सांख्य दर्शन प्रायोगिक होने की बात करता है प्रैक्टिकल होने की बात करता है मैं मेरी डेली लाइफ के के अंदर वेदों ज्ञान को कैसे अप्लाई करता हूं, सांख्य दर्शन उसकी बात करता है अगर आप ईश्वर की बात करते हैं तो आपके लिए एक डेस्टिनेशन है एक डेस्टिनी है आपके लिए कि मुझे ईश्वरत्व की प्राप्ति करनी है मोक्ष के अंदर भी ईश्वर को इन्वॉल्व किया जाता है कि जब मोक्ष की प्राप्ति होगी या ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उस वक्त मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकूंगा सांख्य दर्शन कहता है कि मैं थोड़ा सा इससे अलग थ्योरी देने की कोशिश करता हूं कि जब आपको ज्ञान होता है जब आपको नॉलेज होती है जब आपको मोक्ष होता है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है आपको स्वयं की प्राप्ति होती है आप खुद को जान पाते हैं आप क्या हैं मैं क्या हूं या अगर मैं शब्द में कहूं पुरुष अपने आप को पहचान लेता है मैं क्या हूं मैं प्रकृति नहीं हूं मैं सत्य रज तम ये गुण मैं नहीं हूं ये तो प्रकृति के गुण थे मैं वो नहीं सांख्य दर्शन कहता है कि जब प्रकृति और पुरुष अलग अलग हो जाते हैं तो पुरुष को अपने एकत्व का ज्ञान हो जाता है जिसको आप केवल भी कह सकते हैं कि मैं अकेला हूं और प्रकृति वापस अपने स्थान पर चली जाती है कुछ लोग कहते हैं सर समझ में नहीं आया ये तो हाइपोथेटिकल जैसा लगता है इसको हाइपोथेटिकल मत समझिए आपकी बॉडी और आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ पर आपकी जो बॉडी है उसको और आपकी कॉन्शियसनेस उसे दोनों को आप मिलाकर पढ़ने की कोशिश कीजिए आपका जो शरीर है वो प्रकृति है आपकी जो चेतना है वो पुरुष है प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं मैं जीवित हूं मैं आपके सामने बोल रहा हूं आप जीवित हैं आप मेरे सामने सुन रहे हैं तो हम दोनों सृष्टि हैं हम हैं अभी हमारा एग्जिस्टेंस है पुरुष प्रकृति में मिला हुआ है प्रकृति पुरुष में मिली हुई है और हमारा जीवन चल रहा है लेकिन अध्यात्म मेडिटेशन योगा या मैं कहूँ रिलीजन ये क्या कहते हैं कि अपने आप को पहचानो खुद को पहचानो आप क्या हो आप क्या हो आप क्या हो आप कॉन्शियसनेस हैं आप, है। आप प्रकृति नहीं है आप पुरुष हैं तो महर्षि कपिल ने भी यही कहा हमें अपने आप को पहचानना है और वही वास्तविक ज्ञान है और जब मृत्यु होती है तो चेतना अलग हो जाती है शरीर अलग हो जाता है उस अवस्था में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता डेवलपमेंट नहीं होता कहां डेवलपमेंट नहीं होता ना ही तो शरीर में ना ही मेरे द्वारा जगत में तो आप ये मत सोचिए सांख्य दर्शन ने गॉड को नहीं माना सांख्य दर्शन में कंसेप्ट अलग है सांख्य दर्शन को आप पूर्णतः नास्तिक नहीं कह सकते हैं जैसे कि मैं कहूं चार चार वार्क पूर्ण कंप्लीट वाली कैटेगरी में आता है कि वो एकदम बिल्कुल एब्सल्यूट लेकिन सांख्य दर्शन ऐसा नहीं है सांख्य दर्शन का ईश्वर अलग है जब वह खुद को पहचान लेते हैं वही ईश्वरत्व है और सांख्य दर्शन की ही ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट थ्योरी वेदांत के अंदर शंकराचार्य जी ने फॉलो करी है अब अगर वेदांत के अंदर शंकराचार्य जी फॉलो कर रहे हैं किसे सांख्य दर्शन को महर्षि तो कपिल को और फिर कह रहे हैं खुद को पहचानो अहम ब्रह्मास्मि तो मैं ही ब्रह्म हूं इसका मतलब जो अपने पुरुष को पहचान लेता है जो अपनी चेतना को पहचान लेता है जो खुद को पहचान लेता है वही ये आवाहन कर सकता है वही अनाउंसमेंट कर सकता है अहम ब्रह्मास्मि तो मैं ही ब्रह्म हूं मैं और कुछ नहीं हूं ब्रह्म मतलब मैं एकदम शुद्ध अवस्था हूं कंप्लीट कॉन्शियसनेस हूं मैं सत्य हूं मैं आनंद हूं मैं ब्रह्म हूं शंकराचार्य जी का जो कंसेप्ट है मुझे कई बार लगता है कि कंसेप्ट महर्षि कपिल से लिया गया है और ऐसा अकेला कंसेप्ट नहीं है शंकराचार्य जी की थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे कभी डीपली तो आप देखेंगे कि वहां पर महर्षि कपिल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है तो सांख्य दर्शन गॉड की डायरेक्टली बात नहीं करता वो कहता है ईश्वर ने सब कुछ बनाया है या ईश्वर के द्वारा सब कुछ निर्मित है या ईश्वर ही पैदा कर रहा है या ईश्वर पाल रहा है या ईश्वर ही नष्ट कर देगा जिसको हम कंसेप्ट कहते हैं हमारे उपनिषद या वेदांत के अंदर ब्रह्मा विष्णु और महेश एक पैदा कर रहा है एक उसको रख रहा है और एक उसका नाश कर रहा है तो कुल मिला क्या अगर मैं बात करूं तो सांख्य दर्शन का थ्योरी सिर्फ इतना सा है कि वो आपके जन्म की बात करता है जीवन की बात करता है और मृत्यु की बात करता है जन्म जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं मतलब आपकी बॉडी और कॉन्शियसनेस मिलती है मींस मैं बात कर रहा हूँ गर्भ के अंदर गर्भ के अंदर शरीर जो है पहले आता है और उसके बाद आपका दिल धड़कना शुरू होता है कॉन्शियसनेस चेतना बाद में आती है तो पहले आपकी जब सृष्टि का निर्माण हुआ सृष्टि मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ मैं जब पैदा हुआ तो मैं शरीर पहले आया आपके प्रकृति पहले आई फिर पुरुष उसके अंदर आया आपकी धड़कन शुरू हुई कॉन्शियसनेस शुरू हुई फिर जब मैं बाहर आ गया जब इस संसार में मैं आ गया तो लगातार विकास होता रहा मैं बड़ा होता रहा मेरे द्वारा बहुत सारी चीजों का निर्माण होता रहा बट सांख्य दर्शन कहता है मेरा निर्माण होता रहा मैं खुद बड़ा होता रहा फिर धीरे धीरे समय आया जब पुरुष और प्रकृति अलग अलग हो गए ये एक नॉर्मल फेनोमेना है ये हमेशा इस तरीके से चलता रहता है तो हमें क्या करना है हमें अपने द्वारा हमें अपने कॉन्शियसनेस के द्वारा ये समझना है कि मैं ये प्रकृति नहीं हूं मैं प्रकृति से अलग हूं मैं पुरुष हूँ मैं रज तम ये गुण मेरे गुण नहीं है ये प्रकृति के गुण हैं मैं सदैव इससे अलग ही था मैं बाद में आया था प्रकृति पहले आई और जब आपको ये ज्ञान हो जाता है तो वही अवस्था जब आप खुद को पहचान लेते हैं जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है सेल्फ नॉलेज हो जाती है उसी को हम मोक्ष कैवल्य या ज्ञान कहते हैं तो सांख्य दर्शन कहता है कि मेरी थ्योरी में गॉड को मानने की आवश्यकता नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि गॉड का एग्जिस्टेंस है या नहीं है मुझे उससे मतलब नहीं है बट हां मेरी फिलॉसफी में गॉड के एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं समझ रहे हैं बात को मेरी थ्योरी में जरूरत नहीं है अदरवाइज गॉड है अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है वेदों ने गॉड को माना है अच्छी बात है वेदों ने उसे प्रूफ किया है बहुत अच्छी बात है मैं मना नहीं कर रहा उसके लिए इसलिए कुछ फिलॉसफर्स ये कहते हैं कि सांख्य दर्शन ना ही तो पूर्ण तरीके से अनिश्वरवादी है ना ही पूर्ण तरीके से ईश्वरवादी है फिर इसका जवाब दिया जाता है कि बेसिकली जो सांख्य दर्शन है वो इंटेलेक्चुअल है बौद्धिक है प्रैक्टिकल है एक आइडियोलॉजी है विचारधारा है जहां पर ईश्वर को साइडलाइन करके जीवन को जीने की बात की जाती है ठीक है तो सांख्य दर्शन में अगर आप देखेंगे जैसे आप ईश्वर कृष्ण का लिटरेचर पढ़ेंगे सांख्य 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 ऑफ तो आप देखेंगे कि कि वहां पर दर्शन में कभी ये ये कटाक्ष नहीं किया गया कि मैं मैं लॉजिक देता हूं ईश्वर क्यों नहीं है ईश्वर का अस्तित्व नहीं है ईश्वर विद्यमान नहीं है ईश्वर को मैं एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि ईश्वर गलत है सांख्य दर्शन में कभी ये बातें नहीं की गई सांख्य दर्शन में कहा गया है के सबसे पहले प्रकृति आती है प्रकृति सृष्टि से भी पहले थी प्रकृति सबसे पहले आती है फिर पुरुष आता है प्रकृति के कुछ गुण हैं पुरुष के भी कुछ गुण हैं प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है जिससे संसार का निर्माण होता है अंत समय में प्रकृति अलग पुरुष अलग काम खत्म चैप्टर क्लोज बात खत्म सांख्य दर्शन कहता है मुझे गॉड को मानने की आवश्यकता नहीं है मैं प्रैक्टिकल हूं मैं प्रायोगिक हूं ठीक है तो कंफ्यूजन जो है आपके मस्तिष्क में आपके मन में कि साहब सांख्य दर्शन ने गॉड को क्यों नहीं माना तो सांख्य दर्शन ने कभी गॉड के ऊपर कोई तर्क नहीं दिया कि मैं गॉड को नहीं मानता दर्शन का एक कहना है कि मेरी थ्योरी में, में गॉड को मानने की आवश्यकता मुझे नहीं है आवश्यकता नहीं है मान लीजिए आप कहते हैं कि भूत होता है तो मैं कहता हूं ठीक है होता होगा लेकिन मुझे मतलब नहीं है आपने कहा ईश्वर होता है होता होगा मुझे मतलब नहीं है तो ना ही तो मैंने स्वीकार किया ना ही मैंने अस्वीकार किया इसलिए कुछ लोग कहते हैं सांख्य दर्शन ना ही तो ईश्वरवादी है ना ही अनिश्वरवादी है ना ही तो ये कहता है कि मैं गॉड को एक्सेप्ट करता हूं ना ये कहता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं बट ओवरऑल जो बुक्स में लिखा गया वो सांख्य दर्शन के ऊपर ये लिखा गया सांख्य दर्शन नास्तिक है या सांख्य दर्शन अनिश्वरवादी है क्यों क्योंकि सांख्य दर्शन के लिटरेचर में कहीं ईश्वर का वर्णन नहीं है जिक्र नहीं है। वहां ऐसे कोई बात नहीं लिखी गई है ठीक है तो ये सांख्य दर्शन है जो जो अपनी थ्योरी में गॉड को नहीं मानता है बस अदरवाइज सांख्य दर्शन ने गॉड को कभी डिनाई नहीं किया ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि सांख्य दर्शन है ही ईश्वर है ही नहीं ईश्वर गलत है ईश्वर छोटा है ईश्वर महान है बड़ा है वही परमपिता परमेश्वर है ऐसी बातें ना ही तो प्लस पॉइंट ना ही माइनस पॉइंट सांख्य दर्शन न्यूट्रल होके काम करता है सांख्य दर्शन प्रैक्टिकल होके काम करता है सांख्य दर्शन आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर घुस कर काम करने की कोशिश करता है ना कि वो हाइपोथेटिकल जाकर काम करने की कोशिश करता है तो ये आपका सांख्य दर्शन और थ्योरी सांख्य दर्शन ने गॉड को क्यों नहीं माना या गॉड को माना तो आई थिंक डाउट क्लियर हो चुका होगा Then you are.